वैसे तो इंडियन कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हजारों सालों से ह्यूमन रहते आए हैं। हमारी अभी तक इन्फॉर्मेशन और स्टडी के हिसाब से भारत की भूमि पर लगभग पिछले 50,000 सालों से ह्यूमन रहते आए हैं, लेकिन हाल ही में एंशियंट डीएनए के आधार पर हुई एक स्टडी में उन लोगों का इतिहास सामने आया है जो आज के समय इस रीजन में रहने वाले लोगों के एंसेस्टर्स थे। हालांकि ये थ्योरी इतनी भी आसान और क्लियर नहीं है, इस पर कई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज बन रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी स्टडी के बाद सामने आई रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसने इंडियन हिस्ट्री को ही पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, जब आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, बाबर, अकबर या फिर अंग्रेज? असल में ज्यादातर लोगों की इंडियन हिस्ट्री के बारे में नॉलेज बस यहीं तक सीमित है। लोगों को लगता है कि इंडियन हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मुगल, टर्किक, सेना, पाला, मौर्य साम्राज्य, किंग अशोका एंड ऑल। यानी कि हम में से ज्यादातर लोग बस यही मानते हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सब तो 2000 साल पहले शुरू हुआ था, उसके पहले क्या? अब कहेंगे कि उसके पहले भारत में आर्य थे। जब भी जानकार लोग आर्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब उन लोगों से होता है जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे और खुद को आर्य कहते थे। किसी नस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। खैर, अभी वो चर्चा का विषय नहीं है, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की। हम लोग उसे ही इतिहास मानते हैं जो लिखा हुआ है या फिर रिकॉर्डेड है, लेकिन वो भी सिर्फ 5000 साल पुराना है। यानी 5000 साल पहले की कोई भी इंफॉर्मेशन रिटन या रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तब लोग नहीं थे और ना ही उनका इतिहास था। बात बस इतनी सी थी कि तब उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया और इसीलिए आज हम उन लोगों के बारे में कम ही जानते हैं या नहीं भी जानते हैं। लेकिन एक बार सोचिए कि क्या एंशियंट लोगों के बारे में जानने का एकमात्र तरीका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ही है? अब जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तब भी क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें? 2018 में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि जेनेटिक्स के कई एक्सपर्ट्स के साथ टीम अप करके एक प्रोजेक्ट पर काम किया गया, जिसमें उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन और आज के टाइम में अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाने वाली जगहों पर रहने वाले एंशियंट जीनोम्स के स्केलेटन्स को स्टडी किया। इसमें एंशियंट डीएनए डेटा को आज के टाइम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले 246 लोगों के लाइव डीएनए सैंपल से कंपेयर किया गया। इस स्टडी और उसके कंक्लूजन्स के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि हम लोग माने होमो सेपियंस सबसे पहले 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और हमारे इन पूर्वजों ने लगभग 70,000 से 80,000 साल पहले अफ्रीका छोड़ दिया था और लगभग 50,000 साल पहले उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर रहना शुरू कर दिया था और लगभग 12,000 साल पहले वेस्टर्न एशिया जैसी उपजाऊ जगहों पर उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईरानी लोगों ने इंडिया में फार्मिंग की शुरुआत की थी, लेकिन हाल ही में एक स्टडी में सामने आया है कि ये सच नहीं है। भारत में फार्मिंग माइग्रेंट्स लोगों की वजह से नहीं स्प्रेड हुई थी, बल्कि या तो एग्रीकल्चर यहाँ पर इंडिपेंडेंटली अराइज हुआ था या फिर कल्चरल कॉन्टेक्ट की वजह से फैला था। और ये मैसिव ईरानियन पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया की तरफ आई और इंडिजियस हंटर गैदर लोगों के साथ मिल गई और यही मिक्स्ड सिविलाइजेशन यानी कि ईरानी लोग और भारत में पहले से रह रहे हंटर गैदर से मिलकर बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वही एरिया था जिसे आज के टाइम में एंशियंट हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं उस थ्योरी के बारे में जो हमेशा से काफी विवादित रही है, यानी भारत में आर्यों का आना। एंशियंट हड़प्पा से मिले 4,500 साल पुराने स्केलेटन्स की स्टडी में आर्यों का कोई जेनेटिक मार्क नहीं मिला है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों का आर्यों से कोई कनेक्शन नहीं था। ये एक बड़ी थ्योरी थी और पॉलिटिकली भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, क्योंकि आज के टाइम में भारत के हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी हद तक हायर कास्ट आर्यों से रिलेटेड होते हैं और ऐसा माना जाता आ रहा है कि इन लोगों ने ही ओरिजिनल इंडस वैली सिविलाइजेशन को बसाया था। ब्रिटिश कोलोनियल टाइम के दौरान लोग आर्यन इन्वेंशन थ्योरी के नाम की एक थ्योरी पर बिलीव करते थे और इस थ्योरी के हिसाब से ज्यादा एडवांस्ड आर्यों ने ही एडवांस्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन को मार दिया और खुद यहां बस गए।
हालांकि अब ये थ्योरी गलत प्रूव हो गई है और 2018 की एक जीनस पर बेस्ड स्टडी ने इस थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। अब इस थ्योरी से सीधा सीधा कंक्लूजन तो ये निकलता है कि आर्यों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण नहीं किया था, यानी कि नहीं बसाया था। लेकिन इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि हम उन्हें इसे नष्ट करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। शायद ऐसा हुआ होगा कि रिवर फ्लो में चेंज आया जिसकी वजह से रेनफॉल में कमी आई और इसकी वजह से धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन नष्ट हो गई और उसके कुछ ही समय बाद आर्य माइग्रेट होकर सेंट्रल एशिया में आए और उस समय इंडिया में रह रहे लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो गए। आर्यों और नॉर्थ इंडिया में रहने वाले किसानों के साथ मिलकर बनी पॉपुलेशन को एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन या फिर शॉर्ट में ANI कहा गया और जो लोग आर्यों से मिक्स होने से पहले साउथ की ओर चले गए थे उनकी और आर्यों से मिलकर बनने वाली पॉपुलेशन को एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन या फिर शॉर्ट में ASI कहा गया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ANI और ASI किसी जेनेटिक बेसिस पर अलग हुए थे, बल्कि रियलिटी इसके बिल्कुल उलट थी। ये लोग धीरे धीरे आपस में मिक्स होते गए और यही वजह है कि आज के टाइम पर आपको भारत में रहने वाले लोगों में ANI और ASI के मिक्सचर की एक बड़ी रेंज मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि इंडिया और हिंदू धर्म में लंबे समय से कास्ट सिस्टम और इंडोगेमी यानी कि अपनी ही कम्युनिटी में शादी करने जैसे नियमों के चलते आपको भारत के उत्तरी हिस्से में ज़्यादातर ANI मिलेंगे और दक्षिणी हिस्से में ज़्यादातर ASI। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहने वाले कुछ लोग पहले से ही रह रहे तिब्बतियन बर्मीज और एस्ट्रो एशियाटिक पॉपुलेशन फ्रॉम द ईस्ट लोगों के साथ भी मिले। इसके बाद वो अरब तुर्की और मुगलों के साथ भी मिले और इसके बाद यूरोपियंस के साथ भी। लेकिन ये ग्रुप्स अपने जीनस के साथ पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्प्रेड नहीं हुए थे जैसा कि पहले ईरानी फार्मर्स के केस में हुआ था। वहीं इंडिया के बाहर ज्यादातर लोगों द्वारा मानी जाने वाली आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो आर्य भारत में उत्पन्न हुए और उसके बाद यहाँ से चले गए। फिर उन्होंने एशिया और यूरोप के बाकी हिस्सों में हायर सिविलाइजेशन बसाई, जबकि वेस्ट में हार्ड राइट नेशनलिस्ट ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो प्योर आर्यंस यूरोप में ओरिजिनेट हुए थे और वहीं के एंसेस्टर्स हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्योर रेस जैसी कोई चीज है ही नहीं। आर्य भी सेंट्रल एशिया के लोगों का एक ग्रुप था बाकी अन्य ग्रुप्स की ही तरह। ह्यूमन स्पीशीज बहुत रेयरली ही किसी एक जगह पर रुकी है, हमेशा से ही ये पूरी दुनिया में स्प्रेड होती रही है और उसके बाद एक दूसरे के साथ ब्रीड करती रही और फिर उन नए लोगों का कुछ हिस्सा दुनिया के नए हिस्सों में जाकर बस गया और फिर वहाँ नए लोगों के साथ ब्रीड करके नई पॉपुलेशन बनाई। तो बेसिकली हम सब में कोई प्योर जीन्स है ही नहीं, हम सब बस मिक्सेस हैं। स्टडीज से ये भी पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स में सिर्फ होमो सेपियंस ही नहीं बल्कि अन्य ह्यूमन स्पीशीज के साथ भी क्रॉस ब्रीडिंग की है, जैसे कि नियंडेटाल्स और डेनिसोवांस। यानी कि आज के टाइम पर जो एक चीज हमें जोड़ती है वो है ये स्पीशीज। यानी कि हम सब में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि हम सब होमो सेपियंस हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें किसी और से अलग करे या जोड़ कर रखे। इसलिए साइंटिफिकली और नॉर्मली किसी भी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ना कास्ट के बेसिस पर और ना ही धर्म के आधार पर। और किसी भी अन्य ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप से बड़ा होना या उस पर हावी होकर प्रभुत्व स्थापित करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हमारे बीच ऐसे समूह हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए धर्म और कास्ट पर बेस्ड भेदभाव वाली भावना को जोर शोर से बढ़ावा दिया और यही वजह है कि पॉलिटिकल गेन और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के चलते हम इंसानों ने ही कम्युनिटी और जातिवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया। किसी एक ग्रुप ने अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए इस विचारधारा को लोगों के मन में डाला और बाद में अपने फायदे के लिए इसे हथियार की तरह यूज किया। और अब चूंकि हम सालों से अपने आसपास इसी तरह की धारणा देखते आ रहे हैं, इसलिए हमें लगने लगा है कि शुरुआत से ही सब कुछ ऐसा ही था, कोई एक ग्रुप डोमिनेटिंग था और दूसरा रिसेसिव। लेकिन अब जब इस थ्योरी के बाद साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि पावर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन इतिहास में था ही नहीं और ना ही हम में से कोई एक ग्रुप किसी पावरफुल समूह से जन्मा है और दूसरा किसी निचले तबके से, तो समय आ गया है कि अब हम सालों से चली आ रही इस रूढ़िवादी धारणा को छोड़ दें, क्योंकि असल में तो इसका कोई आधार है ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी उस नई जेनेटिक स्टडी की रिसर्च के बाद सामने आई जानकारी जिसके हिसाब से हम सब ही एक हैं और होमो सेपियंस हैं, ना जाति के आधार पर अलग हैं, ना धर्म के आधार पर और ना ही नेशनलिटी के आधार पर।
हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।